हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जयप्रकाश यूनिवर्सिटी। तो आइए हम लोग डिस्कस करेंगे। जयप्रकाश नारायण बिहार के उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने बहुत सारे मूवमेंट में हिस्सा लिए थे। तो उन्हीं के नाम पे, जयप्रकाश जी के नाम पे ये यूनिवर्सिटी बना हुआ है। इसका स्थापना 1990 में हुआ था। ये छपरा में स्थित है और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। छपरा कमिश्नरी के अंतर्गत तीन डिस्ट्रिक्ट आते हैं, छपरा, सिवान और गोपालगंज। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के लिए वरदान साबित हुआ जयप्रकाश यूनिवर्सिटी। तो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को हम लोगों ने तीन पार्टों में बांट दिया है। पहला जो पार्ट है वो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, सेकंड जो हमारा पार्ट है वो एफिलिएट कॉलेज है, थर्ड हमारा जो पार्ट है वो प्रपोज्ड कॉलेज है। तो आइए हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज को देखते हैं। तो टोटल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है वो 21 है, और हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितने कॉलेजेस हैं और कौन कौन से हैं। तो हमारा छपरा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट जो कॉलेज है वो राजेंद्र कॉलेज है, जो कि टॉप मोस्ट कॉलेज है, राजेंद्र कॉलेज। और सेकेंड हमारा कॉलेज है जगदम्ब कॉलेज। थर्ड आता है हमारा जयप्रकाश महिला कॉलेज। फोर्थ नंबर पे है रामजय पाल कॉलेज। फिफ्थ नंबर पे है गंगा सिंह कॉलेज। सिक्स नंबर पे है पीसी विज्ञान कॉलेज। सेवेंथ नंबर पे है जगलाल चौधरी कॉलेज। एट नंबर पे है वाईएन कॉलेज जो कि दिघवारा में है। नाइन्थ नंबर पे है नंदलाल सिंह कॉलेज, दाऊदपुर जयपुर में है। टेंथ नंबर पे है पीएन कॉलेज, परसा में है। और इलेवेंथ नंबर पे है एचआर कॉलेज, अमनौर में है। तो ये रहे हमारे इलेवेंथ कॉलेज जो कि छपरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। आइए हम लोग सिवान डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कितने कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज आते हैं तो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर पे है डीएवी कॉलेज जो कि बहुत ही फेमस कॉलेज है। सेकेंड नंबर पे है विद्या भवन महिला कॉलेज। थर्ड नंबर पे है राजा सिंह कॉलेज। फोर्थ नंबर पे हमारा है BRBGR कॉलेज जो कि महाराजगंज में है। फिफ्थ नंबर पे है नारायर कॉलेज जो कि गोरिया कोठी में है। सिक्स नंबर पे है एचआर कॉलेज जो कि मैरवा में है। नीचे सिक्स नंबर पे नहीं दिख रहा होगा, एचआर कॉलेज मैरवा में। तो ये हमारे सिक्स कॉलेजेस सिवान डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। आइए हम लोग गोपालगंज में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज आते हैं देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट नंबर पे आता है कमला राय कॉलेज। सेकंड नंबर पे आता है महेंद्र महिला कॉलेज। थर्ड नंबर पे आता है गोपेश्वर कॉलेज जो कि हथुआ में है। फोर्थ नंबर पे भोला प्रसाद सिंह कॉलेज जो कि भोरे में है। तो ये हमारे चार कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं जो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। आइए हम लोग सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एफिलिएट कॉलेज है, टोटल 11 है। तो छपरा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट जो कॉलेज आता है एफिलिएट कॉलेज, डॉक्टर पीएम सिंह डिग्री कॉलेज। सेकेंड नंबर पे है BDSM महिला कॉलेज, सलेमपुर में है। और थर्ड नंबर पे है लोक महाविद्यालय, हफीजपुर बनियापुर में है। फोर्थ नंबर पे है देवराहा बाबा श्रीधर दास डिग्री कॉलेज गरखा में। एक बार और फोर्थ नंबर देख लेते हैं, देवराहा बाबा श्रीधर दास डिग्री कॉलेज जो कि गरखा में है। फिफ्थ नंबर पे है PR कॉलेज सोनपुर में है। तो ये हमारे पांच जो है एफिलिएट कॉलेज छपरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। आइए हम लोग देखते हैं सिवान डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कौन से कॉलेज आते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है जेडे इस्लामिया कॉलेज जो कि एक माइनॉरिटी कॉलेज है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है दारोगा प्रसाद राय कॉलेज। थर्ड नंबर पे आता है मजरूल हक डिग्री कॉलेज जो कि तरवारा में है। फोर्थ नंबर पे आता है माता रोजनी देवी छठू राम डिग्री कॉलेज जो कि मैरवा में है। फिफ्थ नंबर पे देश रत्न राजेंद्र प्रसाद डिग्री कॉलेज जो कि जीरादेई में है। तो ये हमारे फाइव कॉलेज है सिवान डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एफिलिएट कॉलेज में आते हैं। आइए हम लोग गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज आते हैं तो देखते हैं। तो गोपालगंज में फर्स्ट जो कॉलेज है श्री महेंद्र दास डिग्री कॉलेज जो कि नेचुआ जलालपुर में है, ये हमारा एफिलिएट कॉलेज में आता है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रपोज कॉलेज में। तो प्रपोज्ड कॉलेज में हमारा छपरा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट जो कॉलेज है वो राम जयपाल महिला कॉलेज है। सेकंड नंबर पे है डॉक्टर आर्यन सिंह महिला कॉलेज। थर्ड नंबर पे है बनारस सिंह डिग्री कॉलेज। फोर्थ नंबर पे है डॉक्टर भृगुनाथ यादव डिग्री कॉलेज। हमारा फिफ्थ नंबर पे है वासुदेव सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज जो कि मशरख में है। सिक्स नंबर पे आता है सुधा देवी डिग्री कॉलेज। सेवेंथ नंबर पे है लक्ष्मण जनक डिग्री कॉलेज जो कि दिघवारा में है। एट नंबर पे आता है कोऑपरेटिव डिग्री कॉलेज। नाइन्थ नंबर पे आता है JS भारद्वाज डिग्री कॉलेज।
टेंथ नंबर पे हमारा आता है जेके डिग्री कॉलेज, 11th नंबर पे है पारस कौशल डिग्री कॉलेज, 12th नंबर पे बाबू भुवनेश्वर प्रसाद डिग्री कॉलेज, 13th नंबर पे हमारा आता है राज बलम देवेंद्र मनोरमा डिग्री कॉलेज, 14th नंबर पे आता है वासुदेव सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज मसरत में, 15th नंबर पे आरे इवनिंग डिग्री कॉलेज, 16th नंबर पे हरिहर नाथ डिग्री महाविद्यालय सोनपुर में है, और 17th नंबर पे आता है शक्ति शांति डिग्री कॉलेज दिघवारा में है। तो ये हमारे जो है 18th नंबर पे आता है उमा शंकर राम जन्म इवनिंग कॉलेज जो कि गुरुकुल मेहिया में है, और 19th नंबर पे हमारा जो कॉलेज है वो डॉक्टर ब्रजभूषण प्रसाद यादव डिग्री कॉलेज है। तो ये हमारे 19 कॉलेज जो है छपरा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत प्रपोज्ड कॉलेज में आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कौन कौन से प्रपोज्ड कॉलेज हैं। तो फर्स्ट जो कॉलेज है हमारा श्रीकांत बाबू डिग्री कॉलेज जो कि कुचायकोट में है, सेकंड नंबर पे एस एन पांडे डिग्री कॉलेज है, और थर्ड नंबर पे गिरिजा जीतन डिग्री कॉलेज। तो ये हमारे 3 कॉलेजेज आते हैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत प्रपोज्ड कॉलेज के कैटेगरी में आते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है वो प्रपोज प्रोफेशनल कॉलेज, मतलब इसी का पार्ट है लेकिन ये प्रोफेशनल कॉलेज है, यानी ये ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं, जैसे बीएड हो गया एमएड हो गया इन सारे कोर्सेज को ये लोग कराते हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट जो है छपरा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देखते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं। तो छपरा डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो है फर्स्ट कॉलेज है गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, और सेकेंड हमारा है मथुरा सिंह टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है खालपुरा में, थर्ड नंबर पे है प्रकाश बीएड टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, और फोर्थ नंबर पे हमारा है वासुदेव सिंह मेमोरियल बीएड कॉलेज मसरत में है, और हमारा फिफ्थ नंबर पे है सोलंकी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो कि ये 5 हमारे जो कॉलेज है ये प्रपोज प्रोफेशनल कॉलेज है, और ये हमारे प्रपोज प्रोफेशनल कॉलेज में आते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से कॉलेज हैं। तो गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एसआर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो कि लाइन बाजार एक ही कॉलेज आता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं। आइए हम लोग देखेंगे सिवान डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कौन कौन से प्रपोज प्रोफेशनल कॉलेज आते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा है गोरख सिंह बीएड कॉलेज, सेकंड नंबर पे हमारा है एवाईटी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो कि गुठनी में है, और ये गोरख सिंह बीएड कॉलेज महाराजगंज में है, थर्ड नंबर पे बैकुंठ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, फोर्थ नंबर पे हमारा है राजेंद्र किशोरी बीएड कॉलेज जो कि भगवानपुर में है। ये 4 कॉलेजेज हमारे सिवान डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हमारे प्रपोज्ड कॉलेज प्रोफेशनल कॉलेज में आते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस किया कि सारे कॉलेजेस को हम लोग 3 पार्टों में बांट दिया। पहला जो पार्ट था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज था, सेकंड हमारा एफिलिएट कॉलेजेस था, और थर्ड हमारा प्रपोज्ड कॉलेजेस था। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोग नोटिस करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज में जो फी लगता है वो काफ़ी मिनिमम लगता है, मतलब बहुत ही मिनिमम फी लगता है, और यहाँ इस पे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज पे पूरा पूरा कंट्रोल रहता है यूनिवर्सिटी का। तो और जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं वो सारे अपॉइंट होते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू, और यहाँ पे एफिलिएट कॉलेजेस जो हैं इसमें जो भी एडमिशन लेता है लड़का इसमें फ़ी इसके अपेक्षा इसमें ज़्यादा लगता है फ़ी, और इस और जो गवर्नमेंट जो फंडिंग होते हैं यूनिवर्सिटी के तरफ से जो फंडिंग होते हैं वो इसको नहीं मिलता है, बल्कि अनुदान दिया जाता है, गवर्नमेंट के तरफ से अनुदान दिया जाता है। और प्रपोज्ड कॉलेज होते हैं फुल्ली प्राइवेट कॉलेज होते हैं प्रपोज्ड कॉलेज, ना इसमें स्कॉलरशिप मिलता है, स्कॉलरशिप भी नहीं मिलता है, और इसमें जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो तय करता है कि हमें कितना फी लेना है, यानी गवर्नमेंट का भी इस पे कंट्रोल नहीं है और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का भी कंट्रोल नहीं है, तो फुली प्राइवेट कॉलेज है। और यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हो गया एफिलिएट कॉलेज हो गया दोनों कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स वगैरह जो मिलते हैं वो सारे मिलते हैं, बल्कि फी में थोड़ा अंतर पड़ जाता है क्योंकि इस पे यूनिवर्सिटी का कंट्रोल नहीं रहता है, गवर्नमेंट के तरफ से बल्कि अनुदान दिया जाता है, और फी जो होते हैं इसके अपेक्षा इसमें ज़्यादा फी लगते हैं। तो यही इन सारे कॉलेजेस में डिफरेंसेस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, और भी सारे चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए, अगर वीडियो पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए ताकि, और बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन रेगुलरली आपको मिलते रहे। तब तक के लिए देखते रहिए, जय हिंद।